अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं, ये तुलना कर रहे हैं मंदिर से। ये मंदिर से कहाँ उसका मतलब है, कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है। ये भ्रम फैलाना चाहते हैं और ये बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, अल्पसंख्या की बात कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जी अल्पसंख्या की बात करते हैं। इस देश में हजारों पंजाबी सिखों को किसने मारने का काम किया था, किसने उसकी हत्या की थी? आपने की थी, आपकी पार्टी ने किया था। हम उसके गवाह हैं, हम उसके गवाह हैं। हजारों हजारों सिख समुदाय, कौन सा सिख समुदाय, जो टैक्सी ड्राइवर था उसने इंदिरा गांधी की हत्या की थी। सड़कों पर घूम घूम के सिखों की हत्या कर रहे हैं और अल्पसंख्यक की दुहाई दे रहे। भार। इसलिए इस बिल को आना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। संस्था में कोई भी संस्था पारदर्शी तरीके से काम करे, यही मेरा आपसे आग्रह है। श्रीमती सुप्रिया सुले, श्रीमती सुप्रिया सुले। Sir, I stand here on behalf of the NCP vehemently requesting the government either to withdraw the bill completely. That is our request to this government, because no detailed consultations have been done with West people who actually are running this organization today. So I request with full humility to this government to either withdraw it, and if they do not want to withdraw it, at least send it to a standing committee or make a committee together of the entire all party meeting and then do it. Please do not push agendas without consultations. I will not repeat a single point which earlier my case, but the sad part is this, that we did not find about this bill from the parliament. We found